डरते हैं तो डरते हैं, लेकिन यहाँ ना कोई मुलायम सिंह का खौफ है ना अखिलेश सिंह का खौफ है, कोई भी नहीं। वो होंगे तो अपने घर के लिए होंगे, उनका जो भी है कोई भी उनका कार्य सही नहीं, उससे कुछ नहीं मतलब। यहाँ से खाली बाबा होगी को देख रहे हो, क्या क्या कारण है कि बाबा जी को पसंद करते हैं आप? उन्होंने विकास किया और विकास करेंगे, शौचालय बनवाए हैं, आवास भी दिए हैं, और गरीब जनता के लिए अनाज भी दे रहे हैं, घी भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। इस बार किसको लाएंगे? इसी बाबा जी को, हाँ मोदी को। ये बीमारी है नहीं लाई गई? अच्छा लाई गई है तो उन्होंने वैक्सीन फिर बाद में क्यों लगवाई? उन्होंने मोदी वैक्सीन बोली, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और बाद में क्यों लगवाई? जब मरने लगे तब लगवाई, अत्याचार फैलाया है ना टेढ़ा ने, धोखे में पड़ जाए तो पड़ जाए उनका। हाँ हमारे धोखे से, धोखे से बटन कोई दब जाए नहीं, कोई नहीं दबेगा, केवल धोखे से दबेगा। हाँ बीजेपी के दबेगा, वैसे कार भार के अलावा नहीं दबेगा। हाँ कुछ है वहाँ क्या? वो भी मोदी छोड़ी क्या का है? हमने छोड़ी, हम ही अपनी परेशानी काट रहे हैं, अपनी परेशानी है ये, और अपनी परेशानी है। हमने कहा आओ छूट जाए जानवर, तब भी वोट बीजेपी वोट देंगे, तब भी वो भी वोट देंगे कि हमारा खेत चला जाएगा लेकिन सम्मान रहेगा। हाँ मोदी तो भगवान है, भगवान है, मोदी को जिताएंगे, योगी जिताएंगे। तो ये धर्म के नाम पे तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? मोदी को जिताएंगे खूब, पूरे गांव सब, पूरे गांव ओनली बीजेपी। हाँ योगी जैसा तो नेता होना ही मुश्किल है, और आगे चलकर प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान के बनेंगे योगी, यहाँ तक उनके बारे में जो है जानकारी जनता को है। अब हमारे फौजी भाई से बात करिए, अब आप मतलब नहीं है वो, यहाँ पर कोई भी खड़ा कर दो, आया कोई भी हो हम देंगे पार्टी, पार्टी को एक कुत्ता खड़ा हो जाएगा उसको भी दे देंगे वोट। सही बात, गांव में काम से बात ना कराओ, सब उन्हीं की वोट आए अंदर जी। वो अखिलेश को कौन वोट दी? वो सेपा में रंडिया ना चाह रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप? कह नहीं सकते, देखो क्यों नहीं कहे, आती थी जब जो चुनाव होता था, कहीं करीना कपूर आ रही है, कहीं वो श्री देवी आ रही है, आते थे पहले गुंडई करने की, अब गुंडई करने नहीं देते बाबा जी, क्योंकि बुलडोजर खड़ा है। अच्छा बुलडोजर है बाबा जी, बुलडोजर खड़ा है। और अखिलेश जी कौन है? अरे वो तो सब गुंडे ही हैं, है क्या, सपा सरकार में सबसे ज्यादा गुंडे ही हुई, और बाबा जी अब उसका वसूल रहे बुलडोजर लेके। नमस्कार, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हम पहुंचे हैं फरुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा में। तो हम लोगों से जानेंगे कि फरुखाबाद जिले का क्या मिजाज है और यहाँ के लोग किसे वोट देंगे और किस आधार पर वोट देंगे, जाति के आधार पर वोट देंगे, धर्म के आधार पर वोट देंगे या विकास के आधार पर वोट देंगे। तो आइए कुछ लोगों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों का क्या रुझान रहा। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले जितने विधानसभा चुनाव हुए जी और जितने भी प्रत्याशी आए तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका बिल्कुल खराब रहा, बिल्कुल। तो अभी यहाँ के से कौन विधायक? यहाँ वो है सुधीर साक। उनका क्या रुझान है एरिया में? उससे कुछ नहीं मतलब, यहाँ से खाली बाबा होगी को देख रहे हो। अच्छा मोदी को उनसे नहीं मतलब, वो यहाँ पर विकास खाली देख रहे हो, यहाँ पर केवल और केवल विकास। बस बस बस, और तो आप ये जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विकास के आधार में चाहिए, विकास चाहिए। तो क्या हमारी बहन बेटी खुले में रहे? हाँ उसकी तो बहन उसके उसमें तो बहुत भारी धांधलबाजी। अच्छा और क्या, सपा के शासनकाल में ऐसा नहीं? बहुत बुरा हाल है उसका, मत कहो बहुत बुरा हाल है साले का। दादा आप बताइए किसको वोट देंगे आपकी बार? मोदी योगी, मोदी योगी को। मतलब मोदी योगी सबके रग रग में, रग रग में, रग रग में। अच्छा मतलब योगी बाबा बहुत पसंद आ गए? बाबा जी हैं लेकिन बाबा जी पसंद करते हैं योगी जी। हाँ। क्या क्या कारण है कि बाबा जी को पसंद करते हैं आप? उन्होंने विकास किया और विकास करेंगे। क्या विकास किया है? ऐसा कोई काम बताइए जो उन्होंने इस गांव के लिए किया हो। हर काम कर रहे हैं, बताइए। शौचालय बनवाए हैं, आवास भी दिए हैं, और गरीब जनता के लिए अनाज भी दे रहे हैं, घी भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। लोगों का कुछ लोगों का जो विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं, उनका तो कहना है कि भाई ये अनाज दे के हम लोग को पगडंडी पकड़ा दिए एक तो। कुछ नहीं, सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। ये जो सही कर रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं मुफ्त, सही कर रहे हैं। हाँ सही कर रहे हैं बाबा जी, सही कर रहे हैं। अच्छा इस बार किसको लाएंगे? इसी बाबा जी को, हाँ मोदी को, दो जन को, मोदी जी को। हाँ दो जन। शिक्षा और रोजगार के मामले में बीजेपी सरकार कहाँ तक सही है? सही, बिल्कुल सही है, कहाँ तक सही है? इसी वक्त सही है। अभी 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 जैसे कोरोना काल में मतलब जो उसकी वजह से थोड़ा डिमरेस हो, उनकी कोई गलती नहीं है, ये तो मतलब एक आपदा है। नहीं तो आपदा है, आप कहते हैं आपदा है, लेकिन जो बीजेपी विरोधी है वो कहते हैं कि भाई ये बीमारी है नहीं लाई गई।
अच्छा लाई गई है तो उन्होंने वैक्सीन फिर बाद में क्यों लगवाई, उन्होंने मोदी वैक्सीन बोली, बिल्कुल सही बात है, और बाद में क्यों लगवाई, जब मरने लगे तब लगवाई, मतलब वैक्सीन लगवाएंगे लेकिन मोदी का गुणगान नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, उन्होंने अपोजिट है, वो तो विपक्ष वाले हैं, कीचड़ है तब भी चलेंगे, नहीं है तब भी चलेंगे। तो यहाँ पे वोट जातिगत आधार पर है? नहीं, जातिगत आधार पर नहीं है, तो यादव वोट तो जातिगत आधार ही पड़ते, अब वो यादव भाई यही एक साइकिल वाले है, तो भाई भाई जब बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के सरकार में तो यादवों का भी कल्याण होता होगा ना, यादवों का विकास होगा, हर कास्ट को हुआ, हर कास्ट को हुआ, ऐसा क्यों होता है, उनको व्यक्तिगत एलर्जी है भाजपा वालों से, अत्याचार फैलाया है नकटेड़ा ने, उसमें गुंडागर्दी होती है, और सपा वाले तो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी, सपा वाले सबसे ज्यादा सपा वाले करते हैं गुंडागर्दी, बहुत गुंडागर्दी करते हैं, कहते हैं ठाकुरों और ब्राह्मणों के अलावा कोई चलता ही नहीं है, आरोप लगाते हैं बीजेपी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये काम के आधार पर चलती है बीजेपी, यादवों का टट्टे छीन लिया, यादवों का, यादवों ने सिर्फ यादवों का टट्टे छीन लिया हमने, यादव ने इसी का राजन का था, सपा में कौन लड़ रहा है यहाँ से चुनाव, जितेंद्र है, उनकी कैसी छवि है यहाँ पे, कुछ नहीं भैया, मतलब यहाँ पे भैया कुछ नहीं, सब भाजपा ही भाजपा है, तो यहाँ केवल पार्टी का वोट है, पड़ जाए पड़ जाए उनका, हाँ हमारे धोखे से बटन कोई दब जाए नहीं, कोई नहीं दबेगा, केवल धोखे से दबेगा, हाँ बीजेपी के दबेगा, वैसे कार भार के अलावा नहीं दबेगा, हाँ उनकी कार प्रणाली कैसी रही, अभी विगत वर्षों में उन्होंने 2012 में भी चुनाव लड़ा था, हाँ सर डरते हैं तो डरते हैं, लेकिन यहाँ ना कोई मुलायम सिंह का खौफ है, ना अखिलेश सिंह का खौफ है, कोई भी नहीं, वो होंगे तो अपने घर के लिए होंगे, उनका जो भी कोई भी उनका कार्य सही नहीं होता, कहते हैं बीजेपी के राज्य में महंगाई बहुत बड़ी है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, 50 रुपए का पेट्रोल था, उनके 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 जब सरकारें थी तो हम लोग पैदल जाते थे खेत अपना देखने, गाड़ी नहीं जाता है, अब टू व्हीलर से जाते हैं तो महंगाई कहाँ है, चढ़ते हैं, पास पैसा नहीं है तो हम टू व्हीलर से क्यों जाते हैं, फोर व्हीलर से क्यों जाते हैं, पैदल क्यों नहीं जाते हैं जब साइकिल से जाते थे, यहाँ जानवरों की बड़ी समस्या है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, गौशाला बन रहा है, गौशाले बन रहे हैं, उसमें जानवर तो गौशाला तो बन रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गौशालाओं में ना तो गाय है ना तो भैंस, सब कुछ है वहाँ, क्या होगी मोदी छोड़ी क्या गाय, हमने छोड़ी, हम ही अपनी परेशानी काट रहे, अपनी परेशानी है ये, और क्या है ना, सपा हमने कहा आउट छुट जाए जानवर तब भी वोट बीजेपी वोट देंगे, तब भी होगी वोट देंगे, कि हमारा खेत चला जाएगा लेकिन सम्मान रहेगा, बहन बेटी जो छेड़ी जाती थी वो भ्रष्टाचार था, लूट मार होती थी, जेब का तो पैसा, नारी सुरक्षा में बीजेपी का क्या कैसा योगदान, बहुत अच्छा, इतनी ना किसी वजह से वोट दे रहे, इसी वजह से, हाँ मोदी तो भगवान है, मोदी भगवान है, भगवान मोदी को जिताएंगे, योगी जिताएंगे, तो ये धर्म के नाम पे तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग, मोदी को जिताएंगे बोल रहे हैं ऐसा, खूब पूरे गांव सब पूरे गांव, ओनली बीजेपी, हाँ कमल फूल, सपा और बसपा और कांग्रेस, इन तीनों की बात करते हैं, ये मोदी की इसलिए बुराई करते हैं, एक बात और, इन्हें लोग हिंदुस्तान का खजाना को ही खाली कर दिया, और कहते हैं बीजेपी, क्या ये जो सपावादी है क्या ये हिंदू नहीं है, अरे है लेकिन उससे क्या अपनी, तो फिर हिंदू के खिलाफ क्यों, हिंदू हम भी तो हैं, तो फिर वो हिंदू खिलाफ बात फैलाते हैं, नहीं हम क्यों ठाकुरवाद क्यों नहीं फैलाते हैं बताइए आप, क्या ये यादववाद और ठाकुरवाद क्या होता है भाई, विकास जो करेगा उसी को तो वोट, वही अच्छा है ना, वही अन्य जो सरकार है वो जातिवाद पे निर्धारित है ना, इसलिए वो जातिवाद पे तो बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं, हर एक जाति को सम्मान दे रही है सरकार, हर एक जाति को, क्या ब्राह्मण को नहीं दे राशन मिल रहा है, क्या यादव को नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, और अन्य सरकार है वो जात पे निर्धारित है, मोदी के पास अगर सच्चता नहीं है मुख्यमंत्री होते हुए, आप तो ये देख रहे होंगे एक लाल चिड़ी लगा के रहते हैं, जिनके पास हर कुछ सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें मानते हैं वो सत्य है, इसलिए पीले कपड़े पहनते नहीं, क्या कमी होती है, बिल्कुल योगी जैसा तो नेता होना ही मुश्किल, और आगे चलकर प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान के बनेंगे योगी, यहाँ तक उनके बारे में जो है जानकारी जनता को है। अब हमारे फौजी भाई से बात करिए, अब आप हमारे फौजी भाई, हम फौजी भाई के पास ही आ रहे हैं, देखिए भाई मैं आपको युवा है, ठीक है, तो युवा होने के नाते जो देश को खड़ा करने वाला होता है वो युवा ही होता है, ठीक है, देश की जो न्यू होती है वो एक युवा ही होती है, तो युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो भाई लोगों ने बता ही दिया मैं क्या हूँ क्या नहीं, वैसे हम अपना प्रोफेशन बताते नहीं कि मैं क्या हूँ, और बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी युवा है और हम भी युवा है, तो अभी क्या है, पहले के सरकारों में क्या हो रहा था, कहाँ नहीं हो रहा था, ना तो मीडिया गांव तक पहुंचती थी और ना ही किसी और दूसरे माध्यम, हम तो आ रहे हैं अभी इस सरकार में आप आए, इससे पहले आप कब आए,
लास्ट गवर्नमेंट जो अखिलेश यादव की मान ली, तो उसमें नहीं आप क्या था वो, पहले हम ज्वाइन करते तो आते जरूर, लेकिन अभी नहीं, नहीं आपने अभी ज्वाइन किया लेकिन पहले नहीं आता था, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा था तो नहीं पता था। अच्छा तो मीडिया थी ही नहीं कि मीडिया को आने नहीं दिया जाता था? आने नहीं दिया जाता क्योंकि मीडिया को आने नहीं दिया जाता था, घेर लिया जाता था बिल्कुल। अभी आपने एक जातिवाद पे मुद्दा करा क्योंकि वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू जरूर है लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी जो है ना वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें हिंदू होने या मुसलमान होने से कोई मतलब नहीं। वोट बैंक की राजनीति तो बीजेपी भी करती है? बिल्कुल नहीं करती है। हाँ। अगर वोट बैंक की राजनीति करती है, यहाँ पे सिर्फ ठाकुर या पंडित या कोई वो नहीं है, सब कास्ट के लोग हैं। और आपने और कहीं भी सभा करी होगी तो वहां भी आपको देखने को मिला होगा कि सारे जो कास्ट के है ना वो वोट दे रहे हैं, सबसे पहले सुरक्षा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही किसी भी व्यक्ति को, जैसे मेरी नॉलेज में जहां तक है ना, तो कोई चोरी, ठीक है, डकैती, बलात्कार वगैरह वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ गांव में हम गए हुए थे तो वहाँ लोगों ने बताया कि भाई जब सपा की सरकार आती है तो यहाँ चोरी चपाटी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सही। अभी बीजेपी में आपने देख रहे एक तरीके राम राज्य है, दूसरा हम आपको बताएंगे 370 राम मंदिर, इन पे राजनीति 70 सालों से चली आ रही है, खत्म हो गई ना, अभी विकास पे ही बात होगी। अभी जो मुद्दे जो बाकी विपक्ष पार्टियां जो थी ना उठाती थी ना, वो सारे खत्म कर दिए बीजेपी। विपक्ष पार्टी तो हमेशा यही मुद्दा उठाती है कि राम मंदिर के आधार पर वोट बैंक समेट रही बीजेपी। भाई एक बताओ, हमारा धर्म क्या है? हिंदू है। हिंदू कहना बुरी बात है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप मुसलमान होते, आप मुसलमान कह रहे हैं, हिंदू तो वो भी है ना, कौन सपा वाले, उन्हें हिंदू है तो उनकी सरकार कैसे चलेगी? अगर उन्हें चाहिए क्या, एक जाति विशेष का वोट चाहिए, जाति विशेष का, जाति विशेष का वोट चाहिए। अच्छा। है ना, बीजेपी में सभी जाति विशेष के लोग, सभी जाति का वोट है। हाँ। ठीक है, उन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा है खत्म कर दिया, वो हमारी एक धर्म आस्था से भी जुड़ा। एक आरोप और है बीजेपी पर कि लोग कहते हैं कि बीजेपी के शासन काल में रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीएससी कंप्लीट। आपकी बीएससी कंप्लीट है, अगर आप एवल नहीं होंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मेरा जैसा बंदा बीएससी या बीए कर रखा है। अभी आपके उत्तर प्रदेश में 2 साल से ना आर्मी की भर्ती आई है, कोरोना मैन रीजन है कोरोना, मैं भी आर्मी से और आर्मी की जो एक आरोप और है कि रैलियां करने में क्या कोरोना नहीं रहता है? रैलियां करने में तो वो विपक्षी पार्टी बंद कर दे, बोलना मैं अब कोरोना को जो है विपक्षी पार्टी तो बंद कर देगी लेकिन पक्षी पार्टी तो कर रही है ना, तो पक्ष वाला तो उनको अगर बंद करने के लिए ना मैं कहूंगा ना कि वो बंद करे और बोले कि देखो मैंने रैलियां नहीं करी है, मैं कोरोना के साथ हूं। भाई वो क्यों कर रहे हैं? हाँ बाकी लोग क्यों कर रहे, तब मैं मानूं उनकी। तुम करोगे तो हम तो करेंगे। बिल्कुल, आप अगर हमें गुंडागर्दी बंद करने के लिए कह रहे हो और मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो एक लोग बंद करो ना, एक लोग बंद करो, कहने का एग्जांपल आप बंद करिए। अगर आपको लगता है कोरोना, आप इस बार किसको वोट? मैं बीजेपी को ही वोट करूँ। कितने साल के हो गए? मैं 27 ईयर का। मतलब दूसरी बार वोट दे? बिल्कुल, पिछली बार मैंने 5 वोट करे थे बीजेपी को, 5 वोट करे संसदीय में, मैंने 5 वोट बिल्कुल अकेले 5 वोट करे थे, और इस बार हो सकता है इसकी संख्या डबल। अभी आप छुट्टी में आए? बिल्कुल, अभी मैं छुट्टी पे हूँ। जो बॉर्डर्स का माहौल है ना बीजेपी गवर्नमेंट में, और जो बीजेपी गवर्नमेंट में सेंट्रल पे ज्यादा काम हुआ है, मैं ये कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से यूपी की जनता परेशान है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जनता नहीं परेशान है, सबका साथ। नहीं तो नहीं, ये ओनली बीजेपी वाले कर रहे हैं सबका साथ, लेकिन जो सपा वाले वो भी कह रहे हैं सबका साथ सब का विकास। देखिए सपा वाले तो वो कहेंगे उनकी सरकार नहीं है और गुंडागर्दी वो कर नहीं पा रहे हैं, लूटपाट हो रही थी, लूटपाट कम हो गई, लूटपाट कम हो गई और लोगों को सुरक्षा दे रही है बीजेपी सरकार, और सबका साथ भी और सबका विकास है। यहाँ के विधायक सुशील साके जी हैं, 2017 में वो विधायक बने हुए थे, तो 2000 हाँ? सबसे अच्छा ये हुआ कि मंदिर बना है, जो मंदिर किसी तो आप मंदिर देख रहे हैं कि अपनी अपने क्षेत्र को देख रहे हैं? हम अपने क्षेत्र के मंदिर को देख रहे हैं, पूरा भगवान तो मंदिर बनने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ सब सॉल्व हो जाएगी उसी से। अब रोजगार की बात है, जो योग्य होगा उसी को मिलेगा। अच्छा। अब ये सेपाई और इटावा के भर्ती करते थे, इंटर पास वहाँ टोटल करते थे, अब जो योग्य है उसको रोजगार। हम फौज में अभी 17 से ही बाद में 17 के बाद में ही लगे हुए हैं, 17 से ही लगे हुए, अभी फौज में लगे हुए हैं, बताते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है जो योग्यतादार है। अभी 2 साल से शायद आपके यूपी में कोरोना काल की बंद हो गई, भर्ती कैसे होगी बताओ? यही तो आरोप है लोगों का, यही तो आरोप है कि हमारी कोरोना चल रहा है, विदेशों में कितने लोग मरे हुए हैं। वो ठीक है, आपकी बात सही है, कोरोना लगा हुआ था, कोविड काल चल रहा था, लेकिन कोविड काल में जो रैलियां भर्ती हो रही थी, रैली भर्तियां हो रही थी, तो उन पर लोग कहते हैं कि भाई उस पर कोरोना नहीं था। गवर्नमेंट कितना लॉस उड़ा रही है, पहले बताओ, ट्रेन बंद है और राशन घर पे बैठे मजदूरों को सबको दे रही है। तो राशन इसीलिए वो बैठ के खिला रहे हैं कि आदमी नौकरी के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, हाँ लॉकडाउन लगा हुआ है इसीलिए वो डबल राशन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से बीजेपी की सरकार है, 4.5 साल से योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा,
क्या कार्य किए उन्होंने? बहुत काम किया है, लेटरिंग बनवाई है, कॉलोनी वगैरह दिए हैं, राशन दिया है लोगों को, ये सब काम किया है। गुंडागर्दी रोड बनवाए, गुंडागर्दी खत्म कर। सपा वादियों का कहना है कि भाई जो हमें पेंशन मिल रही थी सपा, जो अगले सबसे अच्छी बात ये है, 2000 रुपए नहीं मिल रहे क्या? सपा यादवों को 2000 रुपए नहीं मिले, यादवों को राशन नहीं मिला, सबसे क्यों दो चीजों सबसे ज्यादा, तो हम आपसे पूछेंगे वो क्यों कर रहे हैं जब आना 2000 रुपए वो मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश हैं बुलडोजर चलवाए उस पे और राम मंदिर बना उस पे। अच्छा, को और धारा 370 हटवाई, वो तो अमित शाह ने हटवाई थी, तो यही सब चीजों ने आपका दिल जीता, सबसे ज्यादा खुश यही सब चीजों ने आपका दिल जीता है, पूरी जनता ने। बस बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है। अच्छा। सबसे कुछ भी नहीं मिले, बस बुलडोजर चलता रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको जिताएंगे? बस योगी को, तो योगी जी को तो जिताएंगे, यहाँ जिताएंगे, बाद में मोदी को जिताएंगे, तो अभी तो सुशील साकिया जी को जिताएंगे। सुशील साकिया थोड़ी वोटर से मतलब नहीं है, वो यहाँ पर कोई भी खड़ा कर दो, आया कोई भी हो हम देंगे पार्टी को, पार्टी को वोट, एक कुत्ता खड़ा हो जाएगा उसको भी दे देंगे वोट, उसको भी दे दे पार्टी के नाते, मतलब टोटली यहाँ पार्टी का वोट है। कितनी जनसंख्या है आपके गांव? वोट तो योगी के पास जाएगा हमारा। जनसंख्या कितनी है आपके गांव? जनसंख्या 2000 होगी। 2012 में आपकी विधानसभा का सीमांकन हुआ था शायद, जहाँ गाँव में का उस बात ना करा, सब उन्हीं की वोट है एक अंदर जी। धन्यवाद, हम बिल्कुल आपकी बातें सुन रहे हैं दादाजी। वो कलेश का कौन वोट दी, वो तो सेपा में रंडी नचा रहे हैं। हाँ, ये हमें नई चीजें जानने को मिली है, हम बता रहे हैं सेप अखिलेश को कौन वोट दी, वो सेपा में रंडियां नचा रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं आप कहने सकते? देखो क्यों नहीं, पार्टी आती थी जब जो चुनाव होता था, कहीं करीना कपूर आ रही है, कहीं वो श्री देवी आ रही है, तो उसमें खर्चा नहीं आ रहा था। नहीं तो अभी तो अमीषा पटेल जी आ रही हैं आपके अमृतपुर विधानसभा, आदमी मरवाए थे, देखा आपने? आपने आपको याद नहीं होगा, हमको याद है उस समय। मुजफ्फरनगर वाला दंगा नहीं देखा था? इसमें क्या हुआ था पहले? कितना हिंदू मरवाया, मंदिर बन गया, कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ छल तो हुआ, कोई काम नहीं हुआ, टोपी लगा ले मुसलमानों के ले सकते हैं यार, सारे काम होते रहे, कहीं दंगा नहीं हुआ, सारे काम हो गए। धारा 370 अखिलेश सरकार में, कांग्रेस सरकार में जगह जगह पे कर्फ्यू लग जाते थे, कोई दंगा हुआ कर्फ्यू लगे, अभी 4.5 साल हुए। तो लोगों का कहना है कि भाई ये हैंडेड डाल अखिलेश ने चलवाया, एम्बुलेंस अखिलेश ने चलवाया, पुलिस तो योगी ने क्या, उन्होंने क्या कहा, अपने घर से थोड़ी चलवाया, और योगी जी ने जो है हर चौराहे पे साड़ खड़ा कर दिया, कहते हैं काम काम का चौराहे पे साड़ खड़ा कर दिया उनने। अच्छा, ओरी बाबा ने। हाँ तो यही तो दिक्कत है सपा वालों को। सपा वालों क्या दिक्कत है, उन्हीं के पास खेती है क्या, और अन्य जात के पास खेती है? सही में बिल्कुल खेती है, सबके पास खेती, सबके पास खेती है, सभी कमाते हैं अपना, सभी खाते हैं, क्या उन्हीं का खेत है? ये क्या क्या कारण है कि सपा वाले इतनी नफरत करते हैं योगी जी से, क्या कारण है? उनका आतंक नहीं चल रहा है। अच्छा, उनका जो है गुंडा राज नहीं चल रहा है, जो जो दो नंबर का काम करते हैं उनका वो ही खिलाफ है, और जो साधारण अपना मेहनत करते हैं, अपना खाते हैं, और जो है सबको सुख, मतलब किसान खुशी है। हाँ, सब खुशी वाले अगर गुंडों से दुखे हैं, सपा वाले भी वोट देंगे भाजपा में। अच्छा, हाँ सपा वाले वोट देंगे। हाँ, भाजपा में देगा, जो गुंडों से दुखी है उनमें भी पीड़ित है, उनमें भी पीड़ित है। हाँ, उनमें भी पीड़ित है, वो देंगे वोट भाजपा को, वोट देगी, लेकिन चुपचाप देंगे, बोलते नहीं किसी को, बोलते नहीं, यादव हमको मारेंगे इसीलिए बोलते नहीं। अच्छा, यादव के खिलाफ नहीं? हाँ, यादव नहीं जाएंगे खिलाफ, चुपचाप जाएंगे। अभी 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 एक मिनट, अभी जैसे आपके अमृतपुर विधानसभा में नरेंद्र यादव जी पहले सपा से लड़ रहे थे चुनाव, पहले सपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, आप अपने मन की बात कह दीजिए। देखो, सपा में पहले गुंडागर्दी चलती थी, पकड़ लो, आप पकड़ लो, गुंडागर्दी चलती थी, दिन के 12 बजे जो है हमारे अभी हम एक गांव में गए थे, बोले साइकिल चला लिए थे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी हुई, वहां पर जो है एक आदमी के 25-30 हजार रुपए छीन लिए, कब की बात है ये? दिन के 12 बजे करीब हो गई, वो 3-4 साल है। अच्छा। चार साल उनकी सरकार, सपा की सरकार थी। तो बब्बा जी ये बताइए, योगी जी के शासन काल में क्या अच्छा हुआ? देखो पहले तो पहले तो सड़कों का विकास हुआ। अच्छा। दूसरी बात बिजली, देखो बिजली 24 घंटे, हाँ 24 घंटा। लेकिन लेकिन एक आरोप और है बिजली से, याद आया हमें, अभी हम परसों के दिन मोहम्मदाबाद गांव इलाकों में गए हुए थे, तो वहां लोगों से पता चला कि भाई जो यादव बाहुमूल्य गांव है,
तो वहाँ बिजली एक घंटे भी नहीं रहती है। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ सत्यार्थ बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। इसलिए जो है जहाँ जो बिजली की लाइन नहीं थी, जहाँ खंभे नहीं थे, वहाँ जो है दो दो चार चार किलोमीटर, पाँच पाँच किलोमीटर, दस दस किलोमीटर तक भाजपा ने सभी जगह मतलब बिजली पहुँचाई अपनी। हमने बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में मतलब यादव बाहुल क्षेत्र है तो यादव जैसे कलंक है, इसलिए हमारे गांव में बिजली नहीं। वो बिल्कुल बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। पूरे भारत में ऐसा कोई जैसे मामडन ले लिया या यादव लीजिए, क्या जो है राशन मिलता है क्या उनको नहीं मिलता है? मिलता है। या जो पैसा आता है पेंशन आती है वो पैसा उनको नहीं मिलता है क्या? जो ये 2000 रुपए खेती का आता है, कहते हमारी सुनाई नहीं होती। वो बिल्कुल गलत कहते हैं। थाना जाते हैं, सड़क बनती है उनके लिए नहीं बनती। थाना जाते हैं तो हम जाना ही नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात तो चीजें थाने जाना ही नहीं पड़ता है। आप तो आर्मी में रहते हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आर्मी में रहता हूँ, गाँव में आता हूँ ना, मैं देखता हूँ, मेरा परिवार है, मेरा घर है, सबको पता है थाना जाना ही नहीं पड़ता, जाना ही नहीं पड़ता। उनका आरोप ये है कि भाई हम थाना जाते हैं तो यदि ठाकुर से 10,000 जुर्माना लेंगे तो हमसे 50,000 जुर्माना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई है ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है क्या? थाने जाने के लिए और अदालत जाने के लिए जरूरत क्या है? हम अगर जब चोरी करेंगे, अगर डकैती डालेंगे, झगड़ा करेंगे तो हमको थाना जाना पड़ेगा। जुर्म तो जुर्म होता है, जुर्म तो हमको भरना पड़ेगा। तो फिर हम उसके कहीं 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 जुर्म में भी तो जातिवाद नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तो यही आरोप है। नहीं वो गलत है उनका आरोप। पहले गुंडाई करने की, अब गुंडाई करने नहीं देते बाबा जी, क्योंकि बुलडोजर खड़ा है। अच्छा बुलडोजर है बाबा जी, बुलडोजर खड़ा है। और अखिलेश जी कौन है? अरे वो तो सब गुंडे ही हैं, है क्या? सपा सरकार में सबसे ज्यादा गुंडे ही हुई। अच्छा। और बाबा जी अब उसका वसूल रहे बुलडोजर लेके। नहीं तो अखिलेश यादव जी गुंडागर्दी करवाते हैं यहाँ के लोग करते हैं। आजम खान की हालत देखिए, आजम खान कहाँ है? जेल में है। क्या हुआ इनके संग? सही बात है। तो इनका गुंडागर्दी। अच्छा ये बताइए, मुसलमान उनसे राजी नहीं? मुसलमान है वो मुसलमान भी राजी नहीं उससे। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी का समर्थन मोमडन और यादव भी क्या करते हैं? कर रहे हैं टोटल कर रहे हैं, कहीं उनका जो, क्योंकि अभी हम अभी तक जितने गांव में गए हैं, आपकी अमृतपुर विधानसभा की टोटली मैं बात कर रहा हूं, अभी तक जितने गांव में मैं गया हूं तो वहां पे यादव तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते बीजेपी के। आप लोगों के सर्वे को देखा है? हाँ, जो न्यूज में है ना, देखा मुसलमान भी सपोर्ट कर रहा है? नहीं, मुसलमान सपोर्ट करता है लेकिन यादव बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। आप देख सकते हैं यादव भी सपोर्ट, जो यादव प्रताड़ित हुआ है, जैसे मान लो मेरे यहाँ के ट्रैक्टर जिसने खरीद लिया वो कर रहा है, 30% सपोर्ट किया था यादव ने, फिर कर रहे हैं। अच्छा अभी अभी के मोहम्मदाबाद में नरेंद्र सिंह यादव जी जो है, ठीक है, नरेंद्र सिंह यादव जी पहले सपा से चुनाव लड़ रहे थे, कैराना में जो कांड हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, अखिलेश ने क्या करा था? बोला वहां पर जाइए और आजम खान से बात करिए। चीफ मिनिस्टर कौन है? बोला वहां के जो नेता आजम खान है। चीफ मिनिस्टर के पास जब वहां के लोग गए तो उन्होंने बोला आजम खान के पास आप जाइए, वो आपकी सुनवाई करेंगे, जो कैराना में। तो वहां पे कौन नेता सामने आया था? हम वोट किसको दें? वहाँ के जो लीडर्स है ना, अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ होता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, इन लोगों ने जो अटैक्स करा था वहाँ पे, लड़की को छेड़ दिया था, उसके दो भाई उसके घर पे बताने गए थे, तो इन्होंने क्या करा था? आप लोगों को पता होगा, अवेयर है इससे, उन्होंने उसको घर से आने नहीं दिया। ये बताइए एक मिनट अभी सपा से यहाँ से कौन लड़ रहा है चुनाव? जितेंद्र सिंह यादव और इसके पहले कौन था? नरेंद्र सिंह यादव। तो 2012 में जब इसका सीमांकन हुआ था तब से विधायक नरेंद्र सिंह यादव ही हैं आपके, ठीक है, विधानसभा के, अमृतपुर विधानसभा के। सीमांकन जब हुआ 2012 में तो उसके बाद नरेंद्र सिंह यादव जी यहाँ के विधायक बने, ठीक है। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा 2012 से 2017 तक? वो एक उनकी व्यक्तिगत तौर पर छवि अच्छी हो सकती है, तो मतलब आप भी तो गांव में रहते हैं तो यहाँ भी कोई कार्यकाल तो दिखा होगा। बिल्कुल दिखा, लेकिन उनका व्यक्तिगत अच्छा है, लेकिन अगर वो कुछ करना चाहें कि हम ये कार्यकाल करने नहीं देते, काम ही नहीं करने दिया, तो भाई विधायक का भी फर्ज बनता है कि अपने लोगों, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, इन्होंने सिर्फ हम लोगों को इन्फो करा कि भाई हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करने दे रही है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अखिलेश यादव के आपने कई बार वीडियोस भी देखे होंगे, वो विधानसभा के प्रत्याशी को आने ही नहीं देते जनता के सामने, वो रथ पे विजय यात्रा निकालते हैं और उनका विधानसभा प्रत्याशी बोलता है भैया मुझे भी आने दो, मेरी जनता है, मुझे देख लेने दो, बोला तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वो रथ से उतार देते हैं वो। तो भैया यहाँ इनको विधायकों कौन पूछ रहा है? मैं नरेंद्र सिंह यादव जी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो एक बात बताइए, नरेंद्र सिंह यादव की बेटी मोनिका यादव, बिल्कुल वो बीजेपी के कुछ है यहाँ से? हाँ बिल्कुल, जिला अध्यक्ष है। तो लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र सिंह यादव बीजेपी समर्थक हैं क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब अभी तक जब तक ये सपा से चुनाव लड़ रहे थे तब तक बीजेपी समर्थक नहीं थे, जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तब बीजेपी समर्थक हो गए, ये क्यों?
ऐसा क्यों आप बताइए? सपा प्रोपेगेंडा सेपरेट कर रही हो सकता है, सपा प्रोपेगेंडा सेपरेट कर रही है। दूसरी चीज एक आरोप और है कि भाई बीजेपी सपा से जिन्हें टिकट मिला है जितेंद्र सिंह यादव जी को, ठीक है, तो जितेंद्र सिंह यादव जी को टिकट मिला है तो उनके साथ छल किया गया है नरेंद्र सिंह यादव के साथ, तो इन दोनों में कौन सा अच्छा प्रतिद्वंदी है? देखिए सबसे पहले तो अभी क्या है यहाँ पर क्या है, विधानसभा में आप है तो हम सबकी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, हाँ उसका जवाब भी दूंगा। देखिए वो किस लिए सीट उनका टिकट काटा किस लिए नहीं काटा है, बट मैं और हमारा गांव और जो लोग हैं आजकल के हिंदू अबेर हो रखा है, वो सिर्फ राष्ट्रवाद पे वोट करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा सबसे पहले देश है उसके बाद हम है। अगर हमारा देश पहले नंबर करेंगे नेशन फर्स्ट, अगर देश ही नहीं होगा तो हम पैसा और शोहरत बटोर के क्या करेंगे आप बताइए। उन्हें दिक्कत है हमारा देश ऊपर ना चला जाए। कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा है? सपा सपा जिंदा रहा है, ना मरने दिया ना आगे बढ़ने दिया। कांग्रेस तो खत्म ही है यहाँ से, है ना, यहाँ सिर्फ दो ही पार्टी है, एक सपा हो गई एक बीजेपी हो गई, दोनों की टक्कर। तो नहीं तो ये आपका कहना है कि यहाँ के जितने लोग हैं सबका कहना है, सबका कहना है, क्योंकि सपा वाले गांव में जाते हैं कहते हैं भाई बीजेपी खत्म, सपा वाले गांव बीजेपी वाले गांव में जाते हैं तो कहते मार्च को आइए और यहाँ पर ऐसे कैंपेन चलाइए और आपको पता लग जाएगा। कैंपेन ही तो चला रहे हैं, अभी 10 मार्च को भी आगे देखिए। हम आप सुरक्षा का जन्म करेंगे, नरक में जाएं। क्या दिक्कत है आपकी? हमें कोई दिक्कत ना है, हम बहुत समस्या नहीं है। पेंसिल वगैरह मिल रही है? हाँ हमें मिलते हैं। अच्छा हाँ, अनाज वगैरह? हाँ अनाज वगैरह दो कुछ नहीं मिलते, मुझे आधार कार्ड नहीं, अनाज नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मोदी जी तो बंटवा रहे हैं। हमारे आधार कार्ड ना मिलते, हमें आधार कार्ड नहीं बना, नहीं हमारा नहीं बना, हमारे निशान नहीं आते। अरे क्यों नहीं आते आप तो ना आधार कार्ड बनो ना ना हमें मिलते, लेकिन हमारे तो सर हम लेकिन वोट किसको देंगे? वोट हम नहीं भाजपा को देंगे, हम एक वोट नहीं का मतलब गल्ला मिले या ना मिले देंगे। मिले हमें हमारे जैसा भैया ही नहीं मिलते, ना मिल ये हमारे नाती भतीजा जब खा रहे। अगर हमको नहीं मिलता है चलो लेकिन हमारे सब भाइयों को मिलता है तो हम खुश हैं। तो हमें हम मतलब हमें मिले या ना मिले हाँ हम खुश हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा राज्य सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा, है ना। अगर हमारे सभी भाई सुरक्षित हैं तो हम भी उनके साथ हम भी सुरक्षित हैं। तो हम कहते हैं कि हम आपके नागरिक नहीं है जो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें जब तक मिला वोट नहीं मोदी की सरकार बनाई।